अपने माँ बाप के बारे में तो मैं पहले ही तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन बाला सिर्फ मेरा कजन ही नहीं, मेरा मंगेतर भी है। मेरे माँ बाप ने बचपन में ही मुझे उससे मंसूब कर दिया था। तुम्हें तुम्हारा मंगेतर मुबारक हो। मेरी खातिर तो कुर्बानी देने को तैयार है। और मैं कितना बदनसीब, कितने छोटे दिल का मालिक हूं मैं। रिता उस बाबू के साथ ही खुश रहेगी। क्या? मैंने उसको सड़क पर पड़े देखा था, उसको उठाकर यहाँ पे हॉस्पिटल ले आया। तुम आंटी के साथ आ जाओ। फीके देखो चौधरी की बेटी के करतूत, बड़ा फन्ने खान बना फिरता है। हाँ यार, मालूम है तुम्हें चौधरी ने हम पे कितने जुल्म किए और हम गरीबों से किस तरह भत्ता वसूल करता है। अब मजा आएगा। तू पैदा होते ही नहीं मर गई और मेरा नाम बदनाम कर दिया तूने। चल। बाबा जी तो बड़े पुरिसरार आदमी और इनकी कहानी भी पुरिसरार है। अब पता नहीं इन्हें किसका इंतजार है, हमें तो इनका इंतजार रहेगा कब आते हैं और कहानी पूरी करते हैं। हाँ। चलो जी आए अपने अपने काम को। चलते बेटा, माशाल्लाह तुम पढ़ी लिखी हो, जहीन हो। मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूं कि शायान तुम्हें कैसा लगता है? बेटा जी, क्या कहा आपने? फिर घबरा गई है ना? बेटा मैं तुम्हें इस घर की इज्जत बनाना चाहता हूं, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? अंकल आप मुझे गैर मामूली इज्जत दे रहे हैं। मैं ठहरी एक मुजरिम की बेटी, मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि मैं एक इज्जतदार घराने में ब्याह कर आऊं? आप कहाँ, हम कहाँ? मुझे तो मेरे बाप की करनी के। मैंने फैसला कर लिया अंकल जी,
मेरा बाप एक मुजरिम है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। हमारे मुल्क को ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। ऐसे लोग होंगे तो उस मुल्क से बुराई का खात्मा हो सकता है, गुनाहों से पाक हो सकता है हमारा ये मुल्क। मैं एक पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत से वादा करता हूं कि तुम्हारे बाप को उसके जुर्मों की सजा दिलवा के सांस लूंगा। लेकिन बेटा, तुमने मेरे उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। अंकल, आप मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी कर रहे हैं। आपको मेरे सिलसिले में हर तरह का हक हासिल है। और अब आपके इतने प्यार के बाद मैं भी आपसे जुदा नहीं रह सकती। शाबाश बेटी, जीती रहो। ट्रीटमेंट तो हो चुका है, जल्द होश में आ जाएगा। शुक्र। मम्मी, अब क्या होगा? अब ताहे ताहे को क्या जवाब दूंगी कि मैं उसकी हिफाजत भी नहीं कर सकती? नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं ना, बस तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा चोटें नहीं आई। वो तो बाई चांस मैं वहाँ से गुजरा था तो मैंने देखा कि बाला पड़ा हुआ, तुम्हें उसको हॉस्पिटल ले आया। पता नहीं खुदा मुझे किन गुनाह की सजा दे रहा है। मैं आपको संभालो, कुछ भी नहीं है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा बाला। ये तुम क्या कर रही हो? किसने कहा था तुमसे मेरा कमरा साफ करने को? हैं? सारा कमरा मेरा तुमने उलट पुलट कर दिया। नहीं जी, वो तो मैंने सोचा आज आपका कमरा साफ कर दूं। तुम्हें पता नहीं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए? फिर क्यों किया तुमने ऐसा? आज के बाद मेरे कमरे का रुख भी नहीं करना तुमने, अपने काम से काम रखना है। मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपके कमरे की सफाई तो क्या? ज्यादा मस्कीन बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चीजें, समझी तुम? और आइंदा ख्याल रखना। नसीबे फूटे हुए, दरवाजे भी मुझ पे बंद हो गए। अम्मा, मैं किधर जाऊं? मैं आ नहीं रहूंगी, मैं यहां से चली जाऊंगी। कहीं भी जाऊं मगर मैं यहां मजीद जलील नहीं हो सकती। आप रोए ना, चुप कर जाए। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ बाले, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। मुझे तुम्हें जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी वो मैं नहीं दे सकी, मुझे माफ कर दो। आपके आंसू मेरे दिल को बड़ी तकलीफ देते हैं, इन्हें गिरने ना दें, खुदा के वास्ते रोक दें इन्हें। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस मुझे मेरे घर वापस भिजवा दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वाले,
तुम मुझे आप कहकर क्यों बुला रहे हो? मैं तो यहां अपनी बेला के पास आया था, पर मेरी बेला यहां नहीं रहती। यहां तो कोई रिदा रहती है, अदन बाबू की रिदा। भाले, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बेला हूं, सिर्फ तुम्हारी बेला। नहीं रिदा जी, मैंने आपकी और बाबू की बातें सुन ली थी। आपके दिल के आईने में किसी और की तस्वीर देखी तो घर जाने का फैसला कर लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे बाले, मैं अदन का ख्याल हमेशा से अपने दिल के लिए मिटा लूंगी। मैं वादा करती हूँ। आप बहुत बड़े दिल की मालिक हैं, बड़ी अजीम है रिदा जी, पर सारी जिंदगी एक अनपढ़ जाहिल गवार के साथ गुजारना बड़ी मुश्किल होती है। अगर कुदरत ने हमें एक दूजे के लिए बनाया होता तो आप मुझसे जुदा ही क्यों होती? कोई और आपके दिल में क्यों बसता? कौन कहता है कि तुम जाहिल हो, अनपढ़ हो? तुम बहुत समझदार हो। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, कितना साफ, कितना पाकीज़ा। जिस दिल में मोहब्बत होती है ना रिता जी, वो दिल पाक ही होता है। अगर दिल पाक ना हो तो फिर हमें मोहब्बत क्यों हो? बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं कितनी बदकिस्मत हूं जो तुम जैसे फरिश्ते की कदर नहीं कर सकी। अब आप रोना नहीं। शिकवा नहीं, बस मुझे मेरे घर वापस भिजवा दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब्बू इस किस्से को दफा करें, अगर वो नहीं चाहती तो रहने दें। बेटा तुम्हें किसने कहा है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती? अब्बू मैंने आपकी और उसकी बातें सुन ली थी। आयजा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या हाल बना दिया तेरा जालू? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई?